गाइज क्या आपको पता है कि कोई लड़का लड़की के प्यार में जुनूनी क्यों हो जाता है? ऐसे ही लव के साइकोलॉजी फैक्ट्स को जानने के लिए हमारे चैनल इम्पॉसिबल मिस्ट्री पर अंत तक बने रहें। फैक्ट्स नंबर वन, साइकोलॉजी के अनुसार प्यार को जितना छिपाने की ट्राई की जाती है उतनी ही वह सामने आ जाती। फैक्ट्स नंबर टू, हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज की एक रिपोर्ट के अनुसार प्यार में पड़ने पर स्त्री और पुरुष के दिमाग पर काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है, जिससे उनकी उम्र कुछ साल बढ़ जाती है। फैक्ट्स नंबर थ्री, साइंटिस्ट के अनुसार किसी से किसी को प्यार उसके रंग रूप या बॉडी स्ट्रक्चर देखकर नहीं बल्कि दिल में हुई धड़कनों की वजह से होता है, इसलिए कहा जाता है प्यार दिमाग से नहीं दिल से होता है। फैक्ट्स नंबर फोर, एक लंबे शोध में पता चला है कि नवंबर मंथ में सबसे ज़्यादा पुरुष अपनी पसंद की स्त्री से आई लव यू कहते हैं। फैक्ट्स नंबर फाइव, जब कोई प्यार में पड़ जाता है उसका दिमाग काफ़ी अच्छी तरह काम करता है, उसे दुनियादारी की काफ़ी अच्छी समझ आ जाती है, वह अधिक सोशल बन जाता है, लोगों की हेल्प करने लगता है। फैक्ट्स नंबर सिक्स, एक रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन प्यार में पड़ने वालों में से 23% आगे चलकर शादी कर लेते हैं, 10% अपना मतलब निकालने के लिए लगे रहते हैं, अन्य सिर्फ टाइम पास करते हैं। फैक्ट्स नंबर सेवन, साइकोलॉजी के एक स्टडी के अनुसार 18 से 22 वर्ष की उम्र के युवा प्यार में अधिक पड़ते हैं, इस उम्र में ब्रेकअप के मामले भी अधिक देखे गए हैं। अब 22 से 28 साल के युवा काफ़ी सतर्क होकर प्यार की ओर कदम बढ़ाते हैं, 28 के बाद कम ही युवा प्यार के बारे में सोचते हैं, कहा जाता है कि तब तक उन्हें दुनियादारी की समझ आ जाती है। फैक्ट्स नंबर एट, वैज्ञानिकों के अनुसार प्यार की वजह से शरीर के हार्मोन में एक तरह की गड़बड़ी हो जाती है, जैसे कुछ हार्मोन का घट जाना या बढ़ जाना, जिसकी वजह से प्यार में पड़ा पुरुष जुनूनी हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और Facebook पर देख रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें।